हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सोनी और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SRB पे। तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो सोच क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। अभी के दौर में ओलंपिक खेल के बारे में भला कौन नहीं जानता। आज हम ओलंपिक डे पर ओलंपिक खेल से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो ओलंपिक खेल को कई भागों में बांटा गया है, जैसे समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, यूथ ओलंपिक और विकलांगों के लिए पैरा ओलंपिक। तो आज हम सिर्फ समर और विंटर ओलंपिक खेलों के बारे में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 1, ओलंपिक खेल में भारत ने कुल 28 मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड मेडल, 12 ब्रॉन्ज मेडल और 7 सिल्वर मेडल हैं। फैक्ट नंबर 2, एक तथ्य ये भी है, भारत में ना तो आज तक ओलंपिक खेल हुई है और ना ही 2050 तक होगी। फैक्ट नंबर 3, ओलंपिक खेल का इतिहास देखा जाए तो इसकी शुरुआत आज से 2794 साल पहले 776 BC में ग्रीस के ओलंपिया में हुई थी। फैक्ट नंबर 4, शुरुआत में तो ओलंपिक गेम हर 4 साल में होता था, लेकिन 1994 के बाद हर 2 साल में होने लगा। फैक्ट नंबर 5, 1991 में विलियम शेक्सपियर ने ओलंपिक शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। फैक्ट नंबर 6, पहले ओलंपिक खेल में सिर्फ पुरुषों ने भाग लिया था, लेकिन महिलाओं को पहली बार 1900 ईस्वी के ओलंपिक में शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 7, आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 8, समर ओलंपिक खेल में सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने जीता था, 2522 पदक, और विंटर ओलंपिक खेल में सबसे ज़्यादा पदक नॉर्वे ने जीता, 329 पदक। फैक्ट नंबर 9, मिल्खा सिंह ऐसे पहले भारतीय एथलीट थे जो ओलंपिक एथलीट्स के फाइनल में गए थे 1960 के रोम ओलंपिक में। फैक्ट नंबर 10, ओलंपिक ध्वजा में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर उपयुक्त 5 छल्ले ही दर्शाए गए हैं। तो आपको ओलंपिक के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जान के कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।